से खबर है जहां पर नोएडा के सेक्टर 93A में स्थित सुपरटेक टावर के ध्वस्त करने की तैयारी शुरू हो गई है। ट्विन टावर दरअसल ये है। जानकारी के मुताबिक नोएडा प्राधिकरण की तरफ से चयनित की गई मुंबई की एक कंपनी ने ट्विन टावर की साइट को अपने कब्जे में ले लिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के ट्विन टावर निर्माण को अवैध करार दिया था और 22 मई तक टावर को ध्वस्त करने के आदेश दिए थे। तभी से नोएडा प्राधिकरण ने ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया का काम शुरू कर दिया था। तस्वीरों में जो आपको हम ट्विन टावर दिखा रहे हैं, ये वही ट्विन टावर हैं जो ध्वस्त हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक। अब यहां पर नोएडा प्राधिकरण ने कार्रवाई शुरू भी कर दी है। बकायदा मुंबई से एक टीम पहुंची है कार्रवाई करने के लिए, ध्वस्त करने के लिए। अब किस तरीके से इसे ध्वस्त किया जाएगा ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको लेकर भी लगातार रिसर्च चल रही थी। क्या मैग्नाइट का यहां पर इस्तेमाल किया जाएगा, ये अपने आप में देखना महत्वपूर्ण होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही 22 मई तक ध्वस्त करने के आदेश दिए थे और उसी के बाद लगातार नोएडा प्राधिकरण इस कार्रवाई में जुटा हुआ है। काफी लंबी कानूनी लड़ाई चली और उसके बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि नियम के मुताबिक इन ट्विन टावर को नहीं बनाया गया है। यह एक फैसला वहां के बायर्स के लिए जरूर आया। एक मुंबई की टीम बकायदा नोएडा पहुंची है, ट्विन टावर का जो एरिया है उसे अपने कब्जे में ले लिया है। चूंकि ये रिहायशी इलाका है, आसपास भी टावर्स बने हुए हैं, तो उनको नुकसान ना पहुंचे, लोगों को नुकसान ना पहुंचे, इस बात का भी खास ख्याल रखा जाएगा। हालांकि इस तरीके की जो हाईराइज बिल्डिंग होती हैं उनको ध्वस्त करने का तरीका भी अलग होता है। अब क्या इसके लिए मैग्नाइट का इस्तेमाल होगा जो कुछ ही सेकंड्स के अंदर ही पूरा का पूरा जो टावर होता है वो ध्वस्त हो जाएगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या वो तरीका अपनाया जाता है नोएडा प्राधिकरण की तरफ से। और जो एक्सपर्ट की एक टीम बकायदा मुंबई से पहुंची, एक कंपनी है, उनके कर्मचारी उनकी टीम पहुंच चुके हैं नोएडा के अंदर और ये जो पूरा एरिया है जहां पर ट्विन टावर बना है उसको अपने कब्जे में ले लिया गया है। इस बारे में हम बात करते हैं सारा समय के संवाददाता विजय गौर जुड़ गए हैं। विजय, नोएडा से नोएडा पहुंच चुकी है बकायदा मुंबई से आई टीम, क्या रोल रहेगा और किस तरीके से इस ट्विन टावर को गिराया जाएगा ये बताएं। तो कह सकते हैं ट्विन टावर गिराने के लिए कम से कम दिल्ली जो मई से जो टीम आई है 200 लोग आज इसमें आए हुए हैं। तो 200 लोगों का जो आज कार्य है सुबह से ही जारी है। कह सकते हैं 22 मई के अंदर अंदर ट्विन टावर को गिराना होगा और आज से प्रतिदिन प्राधिकरण को इसकी रिपोर्ट सौंपनी होगी, कितना कार्य हो रहा है, कितना कार्य बचा हुआ है, तो प्रत्येक दिन इसको इसकी रिपोर्ट छात्र को सौंपनी होगी जी। अब विजय, क्या वो तरीका होगा सर ये बताइए कि अभी तक इस पर विचार ही चल रहा है या तय कर लिया गया है मैग्नाइट का इस्तेमाल करेंगे, कैसे इस टावर को गिराया जाएगा जो कि हाईराइज ये सोसाइटी है, लोग भी आसपास रहते हैं। जी बिल्कुल कह सकते हैं, आज तारीख 22 तारीख है और सिर्फ 22 मई तक की बात कह सकते हैं, यानी काफी लंबा डिस्टेंस है। तो पहले जो 200 यहाँ पे जो आए हुए हैं मजदूर जो आए हुए हैं और जो यहाँ पे जो इंजीनियर हैं, तो वो साफ तौर पे इनका ये कहना है कि पहले बिल्डिंग के अंदर वो गए हुए हैं, पूरे फ्लोर पे जो बाहरी साइड से खिड़कियां हैं, दरवाजा है, गेट है, जो एक्स्ट्रा जो चीजें हैं पहले उनको तोड़ा जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे करके जब इस पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त करने का जो समय आएगा तो आसपास के एरिया को खाली कराया जाएगा। भारी पुलिस फोर्स होगी यहाँ पे, भारी मतलब कह सकते हैं भारी संख्या पे यहाँ पे काफी फोर्स तैनात होगी कि किसी तरह किसी को आक्रमण वो ना हो और इस बिल्डिंग को ध्वस्त करके इसमें वो किया जाएगा। शुक्रिया विजय तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जो शीशे लगे हुए हैं उन्हें हटाने का काम, खिड़की का हटाने का काम शुरू हो गया है, यानी कि हथौड़ा नोएडा प्राधिकरण का चलना शुरू हो गया है और जब इस ट्विन टावर को गिराया जाएगा तो उससे पहले पूरा जो एरिया है इवैक्यूएट यहां पर किया जाएगा, लोगों को हटाया जाएगा और तब